वेरिएंट ने दूसरे देशों में कहर ढाने की शुरुआत कर दी है। भारत के कई राज्यों में भी कोरोना वायरस के फैले संक्रमण के बीच दहशत है, क्योंकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा से भी ज्यादा घातक बताया जा रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग वेरिएंट को लेकर बेहद गंभीर है, ताकि नए वेरिएंट के कहर से बचा जा सके। अब तो हवाई अड्डे पर भी बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। अब हरियाणा के गुरुग्राम में ओमिक्रॉन का खतरा सता रहा है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को लेकर गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग वेरिएंट को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। ओमिक्रॉन को लेकर नई गाइडलाइन लागू की जा रही है। सभी प्राइवेट अस्पताल और लैब को भी निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही कहा कि साउथ अफ्रीका से आने वालों पर तीखी नजर है। ऐसे देशों से आने वालों को 14 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जल्द बैठक बुलाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की अगले 2 से 3 दिन में बैठक की जाएगी। बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और लैब के साथ हमने ये सारी जो गाइडलाइंस हैं भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं जो 27 और 28 नवंबर को जारी हुई हैं, वो उनके साथ शेयर की गई हैं। और सभी एक बार दोबारा से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया, खास करके इंटरनेशनल टूरिज़्म, जो मेडिकल टूरिज़्म है, गुड़गांव एक मेडिकल हब है, ये जानते हुए यहाँ पर जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को ये दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और कोशिश ये की जाएगी कि इन इंटरनेशनल पेशेंट्स या जो ट्रेवलर्स आ रहे हैं टूरिज़्म के लिए, इन सभी को आइसोलेट करके रखा जा सके, ताकि पुराना एक्सपीरियंस कोई ऐसा जो भी रहा हो जिसमें स्प्रेड होने के चांसेस थे या रहते हैं वो ना। बहरहाल कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत बेहद सख्त नजर आ रहा है, लेकिन जरूरत है खुद भी संभल कर रहने की या फिर जागरूक होने की, ताकि महामारी के दौर में बचा जा सके। गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम, खबरें अभी तक।